सीधी जिले में एल्बेडाजोल की गोली खाने से करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। DOTI सहित पूरा अमला अस्पताल में मौजूद है। सीधी जिले में हर वर्ष की तरह 10 सितंबर को सभी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को पेट का कीड़ा मारने हेतु एल्बेडाजोल का सेवन कराया जाता था। उसी कार्यक्रम के अनुसार 10 सितंबर 2024 को सीधी जिले के मॉडल स्कूल खजूरी में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को एल्बेडाजोल का सेवन आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया गया, जिसकी आधे घंटे बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक सांस की तकलीफ बढ़ने लगी। मामले को देख वहां के अध्यापक ने इसकी सूचना डायल 100 को दी, जिसके बाद थाना कोतवाली पुलिस बल एवं 108 एम्बुलेंस के कई वाहन मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मामले की जानकारी लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में परिजनों का जमावड़ा लगा रहा। मामले की जानकारी लगते ही DEO सीधी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा एवं कोतवाली TI अभिषेक उपाध्याय अस्पताल में मौजूद हैं। सभी बीमार बच्चों का उपचार जारी है। कैसे हुई? स्कूल में प्राइवेट से बच्चों को जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। मैं अपनी बहन को लेकर आ रहा था, स्कूल का गेट तक बंद किया गया, मेरे ऊपर अत्याचार किए गए थे। इसके पहले भी प्रिंसिपल से सबका काम है, प्रिंसिपल को कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने सेवन किया? 106 लोगों को। क्या नाम है आपका? किस क्लास के हैं? ये घटना कैसे हुई? कितने गोली खिलाई थी? एक। गोली खिलाने के बाद कितने घंटे बाद इस तरह की स्थिति हुई? लगभग आधा घंटा लगेगा। डायल 100 पे इवन प्राप्त हुआ था कि प्रतिवर्ष की भांति जो स्कूल में बच्चों को दवाई दी जाती है, वो दवाई खा करके कुछ बच्चे बीमार हो गए, चक्कर आ रहा है। सूचना मिलने में तत्काल पुलिस पहुंची है, 100 नंबर पहुंची, 108 को बताया गया है। मौके पर पुलिस के वाहन से जितना संभव हो सकता था बच्चियों को अस्पताल प्राथमिक उपचार हेतु भिजा दिया गया। अभी डॉक्टरों से बात हुई है, लगभग सभी की हालत स्थिर है। शासन स्तर से आज 10 तारीख है, आज कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल खिलाने का पूरे जिले में अभियान था। सारे बच्चों को खिलाया जाना था। खजूरी में मॉडल स्कूल खजूरी में जो एक्सपायरी नहीं थी 2026 तक का, उसको बढ़िया खिलाई बच्चियाँ बच्चियाँ सौ भी आ गई यहाँ रास्ते में, और उनको कुछ मछली मिट्टी और घबराहट हुई है, उसका उसके यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ सभी हैं, सभी डॉक्टर्स लगे हैं, प्रशासन लगा है, मैडम तस्वीर। खुली गोलियाँ खिलाई गई है बच्चियों के पास, जो गोली मिली है, जो नहीं खाई है उनके पास खुली गोलियाँ हैं, किसी रह पे उन्हें बंद नहीं है। अब ये तो जांच का विषय है। सर सबसे बड़ी बात है कि गोलियाँ तो खिलाई गई, क्या वहाँ प्रिंसिपल साहब और टीचरों ने क्या वहाँ देखना भी समझा कि गोली कौन सी? बच्चियों ने आरोप लगाया है कि टीचर जब गोली खिलाई जाए तब टीचर बाहर थे, प्रिंसिपल साहब भाग गए थे, बच्चियों का ऐसा कहना है? अब ये तो प्रिंसिपल साहब वहाँ पर थे या नहीं, ये अलग बात, जांच का विषय है। किस काम से थे, छुट्टी में थे, कैसे थे, लेकिन टीचर्स को भी, ये टीचर हैं वहीं के उपस्थित थे, बच्चों को साथ लेके आए हैं, लेडीज टीचर भी कुछ साथ ही। लगभग उसको मैं चेक करूँगा। अभी ये विषय नहीं है कि टीचर थे नहीं थे, अभी ये विषय है कि बच्चे ठीक हो जाए।